नमस्कार दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से सिटी वैप पर स्वागत और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंद्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज के देश के कोरोना आंकड़ों से। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2503 नए मामले मिले, 27 लोगों ने हारी कोविड से। यूक्रेन में 19 हवाई हमलों का अलर्ट, लगातार बज रहे एयर रेड सायरन। संसद में आज शुरू होगा बजट सत्र का दूसरा चरण, सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। यूक्रेन का दावा, रूस ने 6 अस्पताल तबाह किए, 6 स्वास्थ्य कर्मी भी मारे। गाजियाबाद में दर्नाक हादसा, मेरठ से बारात में आए 2 युवकों की ट्रेन से कटकर मौत। CWC की बैठक में राहुल गांधी बोले, 90 अस के तरीकों से लड़कर चुनाव नहीं जीत सकते। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा कोरोना पॉजिटिव। इंडोनेशिया और फिलीपींस में भूकंप के तेज झटके। अखिलेश यादव के करहल सीट छोड़ने पर स्वामी प्रसाद मौर्य लड़ सकते हैं चुनाव। यूक्रेन रूस जंग पर आज संसद में बयान देंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। पश्चिम बंगाल में 24 परगना के अगरपारा से के पार्षदों को गोली मारने के आरोप में गिरफ्तार। यूक्रेन के मिलिट्री ट्रेनिंग बेस पर रूस का मिसाइल अटैक, 35 की मौत। अमृतसर में केजरीवाल बोले, आई लव यू पंजाब, तुमने कमाल कर दिया, प्रदेश में कट्टर ईमानदार सरकार होगी। पंजाब की सरकार, भगवंत मान के शपथ ग्रैंड समारोह में खर्च होंगे 2 करोड़ रुपए, 16 मार्च को है कार्यक्रम। कोरोना की नई लहर, चीन में लाखों लोग लॉकडाउन में, दुनिया भर में 6 करोड़ पार एक्टिव केस। मथुरा के वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में बरसने लगे रंग, कन्हैया को लगाया गया अबीर। सांसद पद से इस्तीफा देने के बाद भगवंत मान बोले, जल्द ही संगरूर के लिए संसद में गूंजेगी आवाज। पंजाब में सीएम केजरीवाल के दौरे से कांग्रेस को बड़ा झटका, 16 पार्षद आप में शामिल। यूपी में सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे बुजुर्ग महिलाएं। दिल्ली में ट्रैफिक कर्मी को थप्पड़ मारने वाले 2 पुलिस वाले हुए गिरफ्तार। देश प्रदेश से जुड़ी हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सिटी मैप को। अगर आप हमें Facebook या Instagram पर देख रहे हैं, फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।